वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, है ना बिल्कुल होटल स्टाइल सांभर, कोई बोल सकता है। ये सांभर झटपट क्विक तरीके से बल्कि सबसे आसान तरीके से आपने घर में बनाया है। सांभर का नाम लिया नहीं कि मुंह में पानी आ जाता है। मेरे हिसाब से सभी लोगों को सांभर बहुत पसंद आता है। हम सब चाहते हैं कि जैसे होटल में होती है वैसे ही सांभर बिल्कुल घर में बन जाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल ऑथेंटिक सांभर की एक क्विक और इजी रेसिपी। इतनी टेस्टी बनती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घर में बनी है या होटल से है। तो चलिए बनाते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने एक कप अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल भी बोलते हैं, उसको धो के और आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसका पानी निकाल के मैंने ले लिया है। इसे हम डालेंगे कुकर में। दाल हमारी एक कप है, उसी हिसाब से हम 6 कप डालेंगे इसमें पानी। और टेंशन मत लीजिए, पानी कम ज्यादा होगा तो चलेगा, क्योंकि सांभर वैसे भी पतली ही बनती है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल। ये डालने से क्या होता है कि जब दाल हमारी उबलती है तो बाहर निकल के सीटी आने से तो वो नहीं आएगा। और एक कटोरी के अंदर मैंने लिया है गाजर, बीन्स और मूली। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं, इसमें लौकी ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, बैंगन ले सकते हैं। इसको मैं डालूंगी इसके अंदर कुकर के बीचों बीच, और इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी। इसको मैंने बंद कर दिया है और इसे मैं मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी आने तक कुक करूंगी। 4 सीटी लग गई है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। ये देखिए हमारी दाल बहुत ही अच्छे से गल गई है और मैंने हमारी सब्जियां भी बहुत ही अच्छे से गल गई है। आपने सोचा होगा कि मैंने दाल में ही क्यों नहीं डाल दिया सब्जियों को, लेकिन सब्जियों को मैंने दाल में इसलिए नहीं डाला क्योंकि सब्जियां यदि हम दाल में डालते तो बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाती सब्जियां और सब्जियों का टेस्ट नहीं आता। इसलिए मैं सब्जियों को अलग से मैंने इसमें डाल के कुक कर लिया। सांभर को तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच डाला है कुकिंग ऑयल। इसमें मैं डालूंगी तेल के गर्म होते ही सरसों के दाने 1 चम्मच और 1 चम्मच उड़द की दाल और 4-5 लाल मिर्च। इसके साथ ही मैं डालूंगी 2 पीस के करीब हींग। साउथ में हींग पड़ता है इसलिए मैं हींग डाल रही हूँ, आप नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़े साइज के प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का भुनना है, ट्रांसपेरेंट हो जाइए, हमें उतना ही करना है। इसमें मैं डालूंगी थोड़े से करी पत्ता, इस टेस्ट में डालूंगी 4-5 हरी मिर्चें कटी हुई, अदरक और लहसुन को मैंने कूट के ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि दाल बनाने समय भी डाला था। और सांभर मसाला 2 बड़े चम्मच, थोड़ी सी हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, ये कलर इससे बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं डालूंगी इमली का पल्प, उसको मैंने पानी डाल के और घोल लिया था, इमली का पानी मतलब। अगर जो पल्प है तो उसको डाल लीजिए पानी मिला के, और नहीं तो इमली में थोड़ा सा गर्म पानी डालिए और उसका पल्प निकाल लीजिए, वो आप डाल लीजिए। इस तेज पे मैं डालूंगी सब्जियां जो हमने उबाल ली थी दाल में डाल के। इसमें थोड़ा सा दाल का पानी चला गया है, इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब हम डालेंगे दाल। दाल डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। हमने नमक पहले नहीं डाला है दाल में न मसालों में, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, स्वाद अनुसार नमक डालें। इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी। आपको सांभर कितना पतला रखना है, कितना मोटा रखना है, ये आप पे डिपेंड है। वैसे सांभर पतला ही होता है तो मैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 गिलास के करीब।
और इसको ढक के मैं दो तीन उबाल आने दूंगी। हमारा सांभर बन गया है, अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। साउथ के लोग तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डालते हैं, क्योंकि उधर साउथ में थोड़ी खट्टी मीठी बनती है सांभर, लेकिन हमारे घर में गुड़ नहीं पसंद है किसी को डालना सांभर में, इसीलिए मैं इसमें गुड़ नहीं डाला। इसमें हम इमली का पल्प डालते हैं, उसी समय इसमें थोड़ा सा बिल्कुल इतना छोटा सा टुकड़ा हम गुड़ का डाल देंगे, यदि आपको पसंद हो खट्टी मीठी तो। फ्रेंड्स हमारी तो बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनी हुई है सांभर, आप भी इसे जरूर ट्राई करें और आपका कैसा बना मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हाँ फ्रेंड्स, मैं नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।